कहते हैं कि एक बार हार मानने से पहले एक कोशिश और कर ली जाए, क्या पता उस कोशिश में आपको सक्सेस मिल ही जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करूंगा अपनी पहली पेमेंट के बारे में, यानी कि YouTube से पहली कमाई के बारे में मैं बात करूंगा और पूरी विस्तार से बताऊंगा कि किस प्रकार से हमने पेमेंट लेने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और मैं पहले आपको बता दूं कि आप लोगों के प्यार और दुआओं की वजह से मेरा फाइनली पेमेंट आ चुका है मेरे अकाउंट में, और आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और आप लोगों का भूमिका इसमें तो बहुत अधिक है, मान सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं बताऊँगा आज कि हमारी पेमेंट कितनी आई और कब आई और कितने समय में, समय के पश्चात आई और कितने समय में उसको रिलीज कर लिया गया था और क्या क्या उसमें कठिनाइयाँ होती हैं उसी के बारे में बात करेंगे। तो लीजिए थोड़ी सी भैया से बात कर लीजिएगा। दोस्तों मैं बताऊंगा कि पेमेंट कैसे आई और कब आई और कितनी आ गई है प्रेजेंट टाइम में, थोड़े ही समय में अपने शब्दों के माध्यम से आपको समझ बयां कर दे रहा हूँ। तो आप लोगों को जैसा कि मालूम होता है कि यूट्यूब को 21 तारीख को पेमेंट रिलीज कर दी जाती है, तो हमारा पेमेंट भी उसी प्रकार से 21 सितंबर को रिलीज कर दिया गया था और ये पूरा का पूरा महीना ऐसे ही बीत गया। मैं सोच रहा था कि अब आएगा लेकिन पेमेंट नहीं आया, और थोड़ा सा कुछ लोग बोले कि 5 तारीख को आता है पेमेंट सितंबर के बाद, 5 अक्टूबर को भी मैंने इंतज़ार किया, नहीं आया। फाइनली मैंने लगभग 19 तारीख को तमाम प्रकार की वीडियोस देखी, उससे पहले मैंने जितने भी जिस पर कि थोड़ा से व्यूज भी आते थे, 1-2 व्यूज भी आते थे और बहुत हाई व्यूज आते थे, सभी वीडियोस को देखा और बस यही निष्कर्ष निकला कि आप YouTube पर कंप्लेन करिए, एक फॉर्म फिलअप भी किए और उस पर तमाम प्रकार की डिटेल्स बैंक की भेज दी गई कि आपके इतने नए अकाउंट पर भेज दिया गया है। मैंने वो जो डिटेल था लेकर के कई बार अपने एक मेन छोटे वाले ब्रांच में जहाँ पर खाता खुलाए थे, जैसे कि मैं हमारा खाता वाला ब्रांच है, ये हमारा वाला है, हमारा वाला मतलब यहाँ पर मैं खाता खुलाया हूँ, लेकिन यहाँ पर तो किसी को मालूम ही नहीं था इसके बारे में, लेकिन इसके ऊपर गया यहाँ पर कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा मालूम था, तो थोड़ा थोड़ा मालूम होने के कारण से वो जाते थे लेकिन बोल देते थे साहब कि पेमेंट आपका नहीं आया हुआ है। लेकिन एक बार हुआ क्या कि मैंने सोचा कि किसी टेक्निकल भाई वाले से संपर्क क्यों ना करूं, और वहां पर संपर्क करने के पश्चात में एक लोगों से मैंने संपर्क किया जिसको कि मैंने 1-2 वीडियो पहले ही बता चुका हूं, जिसका नाम है क्या इसरार भाई से। उन्होंने क्या कहा कि आप जाइए बैंक मैनेजर से बोलिए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, डर कर नहीं बात करिएगा। हम इसके पहले जाता था, कई बार गया लेकिन आराम से बोलता था, एक बार बोल देते थे मैं वहाँ से चला आता था, लेकिन मैं उस बार गया तो उनसे थोड़ा सा वार्तालाप हुई, ज़्यादा ही वार्तालाप हो गई, कुछ कॉन्फिडेंस के साथ हुआ, वो ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाए, लेकिन इनके ही बगल में एक और व्यक्ति थे, उन्होंने जानकारी दी क्योंकि वे ट्रांसफ़र कहीं और से विदेश से मंगाते थे, वो बताएं कि यहाँ पर काम नहीं हो पाएगा, इसके ऊपर ब्रांच पर आप जाइए। तो मैंने यहाँ से उसके ऊपर गया ब्रांच पर, यहाँ पर मैं भदोही गया और भदोही में 3-4 बैंक में भटकते भटकते मेन ब्रांच में पहुँचा, और पहुँचने के पश्चात में जो ही वहाँ पर गया उनको दिया तो उन्होंने बोला क्या कि आपका पेमेंट 2 दिन में आ जाएगा, आप पर मैं कॉल कर रहा था, आपके मोबाइल पर मैं कॉल कर रहा था, आप पर कॉल नहीं गई, कारण क्या था पूछने लगे, लेकिन मैंने कहा कि हमारे कॉल नहीं आई, हो सकता है उस समय हमारी मेरी स्विच ऑफ हो रही होगी या ऑफ रही होगी, तो बोले कि चलिए जाइए 1 दिन में आपकी पेमेंट अगले दिन शाम को आ जाएगी, मतलब कि आज मैं गया तो बोले कि अगले वाले दिन आपकी आ जाएगी। मैं वहाँ से आने लगा, मैं सोचा कि हो सकता है देखिए कल आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तमाम प्रकार की दुविधा हो रही थी, लेकिन रास्ते में ही आते आते एक बार मैसेज आता है, मोबाइल को उठाता हूँ देखता हूँ तो खुशी की लहरी दौड़ पड़ती है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि रास्ते में ही मेरा पेमेंट आ गया था, और हाँ यह मैं मिर्ज़ापुर ही गया था और यह भदोही तक पहुँच गया था, भदोही समझ सकते हैं 2-3 डिस्ट्रिक्ट डाक करके वहाँ पर गया। यदि आपका भी फंसा होगा तो थोड़ा सा ऊपर लेवल तक जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर एक फॉरेन पार्ट होता है, फॉरेन यानी जो विदेश की पैसी होती है वो एक अलग ही ब्रांच बनाया जाता है और वो अलग ही होते हैं, तो वहाँ से मेरा पैसा आ चुका था, तो हाँ इतना प्रोसेस करना पड़ा। हाँ इसरार भाई को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यदि वो न बोलते कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए तो मैं न बोल पाता और न ही मेरा कुछ हो पाता, बस हार मान चुके थे कि अब नहीं आएगा, बस लास्ट बार इसरार भाई के बोलने पर मैं गया था, नहीं तो मैं जाने वाला नहीं था, क्योंकि इतनी बार चक्कर ले चुका था कि जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा था। तो अब रही बात कि कितना आया, आप अब तक सोच रहे होंगे कितना आया, बता नहीं रहे हो, ये फालतू का चीज़ें बता रहे हो, लेकिन नहीं दोस्त, कुछ लोगों के लिए बहुत ही काम की चीज़ें होंगी, क्योंकि बहुत लोग इतने पे जाते हैं कहते हैं कि अपने खाता दे उसके ऊपर वाले पे मेन ब्रांच पे चले जाए, लेकिन यहाँ से काम नहीं चलने वाला है, यदि नहीं आ रहा है तो इसके ऊपर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि
ये अवेलेबल नहीं रहती है कहीं कहीं पर, और इसमें कुछ हमारे प्रॉब्लम भी आया था। उस प्रॉब्लम को मैं टेक्निकल पर बताऊंगा क्या प्रॉब्लम हुआ था कि नहीं आ रहा था, वो कारण क्या था, उसे भी मैं मेंशन करने का प्रयास करूंगा। तो अब बता दिया जाए, तो फाइनली रही बात की अब बताने की कितना आया था मेरा बैलेंस। तो आप लोग जानते होंगे कि यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ पैसा को बताना होता है, तो उसमें हम कुछ कोडिंग भाषा का प्रयोग करेंगे। और यदि आप लोग एग्जिस्ट डाटा चाहते हैं कि कितना आया है, तो आप लोग मेरे जो टेलीग्राम चैनल है या फिर इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन रहेगी। और ऐसे स्टडी नंबर 1 विदाउट स्पेस, स्टडी नंबर 1 विदाउट स्पेस के साथ सर्च करेंगे। तो अब रही बात की कितना आया था, तो आप लोग जानते होंगे पार्ले जी बिस्कुट मिलती है 5 रुपये की, तो उसमें प्लस 1 करके 3 से गुणा करके 1000 में गिनती कर लीजिएगा। और यदि एक्यूरेट डाटा चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं फोटो या फिर कर सकते हैं जो कुछ भी रहेगा वहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ, और स्टोरी में भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों यही थी हमारी कुछ बातें, और इसमें तो हालांकि बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। हमने तो हार मान चुका था कि अब हम जाएंगे ही नहीं, क्या जाएंगे, मतलब कई बार हो चुका था चक्कर काटते काटते। फिर हमने सोचा क्या एक बार हार मानने से अच्छा है कि एक बार और कोशिश कर ली जाए, क्या पता सक्सेस तो मिल ही जाए। तो यही बातें थी, और कुछ आपके साथ में शेयर करना था जो कि हमारे दिनों में कभी का गुजर रहा था कि कब बताऊँगा आप लोगों के साथ। तो यही बात थी, और आप लोग भी यदि अच्छा हाँ तो आप समझ गएंगे नहीं, 5 में 1 जोड़ लीजिएगा और गुणा कर लीजिएगा 3 से, तो अब 1000 में समझ गए होंगे आप कितना है। और इतना मैं एक्यूरेट एग्जैक्ट बता दिया, शायद इतना कोई नहीं बताता है, और कोई कोई बता भी देते हैं एकदम पूरा का पूरा, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इस पर जाइए इतना परचेस इसका रेट देख लीजिए, तो वही चीज़ है, सब कुछ सेम टू सेम है। तो बस हो गया और क्या। चलिए दोस्तों, आप लोग यदि मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि उस पैसे का क्या करें, आप लोगों का पैसा है, आप लोगों के बाद दौलत ही चलेंगे, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि उस पैसे का क्या करें। और हाँ साथियों, क्या जरूर बताइएगा कि उस पैसे का क्या किया जाए और क्या करना चाहिएगा। हमने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन आप लोगों की यदि जिस पर डिमांड रहेगी उसी को करना प्रयास करूँगा। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं के लिए, एक मिनट बात हाँ तो बस करिए साथियों, थैंक यू। यह वीडियो इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, हालांकि बातों बातों में यह वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, क्योंकि अभी गए थे देखने के लिए कितना टाइम हो चुका है। तो बस चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा हाँ, आप लोगों के साथ एक मैराथन की क्लास हो रही है जो कि प्रीवियस ईयर के 1500-1600 क्वेश्चनों का संग्रह है ना, ज़्यादा है 3000 क्वेश्चनों का संग्रह है, उसको हम लोग डालेंगे, तो उसको आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, जो कि रेलवे में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जीके के, सॉरी साइंस के है ना, साइंस और साइंस जीके दोनों के हैं, तो उसको देखना ना भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लंबी वाली मैराथन वाली है, करीब 8-10 घंटे की।